Hi everyone, hope all are doing well. Today we have brought to you a very useful application, Android, and it will work in Android and iOS mobiles also. So where you will get all the taly reports in your mobile. So we were waiting for this from long time, so we have brought to you this excellent app. One of my colleague will explain you all the features of this application. You can go with him. The app. सबसे पहले जो आपको high level पे details दिखती है वो है आपका dashboard, जिसमें आपके key numbers, which are your sales, purchase, receipt, payment, आपके outstanding, receivable, payable, cash bank balance, and आपके सभी orders यहीं पे आपको मिल जाएंगे. So if you are a business owner या sales person हो, आपके level पे जो भी important information है, important numbers है, आपको यहीं पे directly मिल जाएंगे. और मुझे जो भी time period का data देखना है, मैं यहीं पे select करके देख सकता हूँ. So अगर मुझे last month का देखना था, कितना sales हुआ है, या कितने मेरे high level numbers है, सब यहीं पे मिल गए. अगर मैं left arrow click करता हूँ, तो I can just scroll month over month, तो मैं easily अपने numbers compare भी कर पाऊँगा. अगर मुझे क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ दिस क्वार्टर सिलेक्ट किया एंड आई कैन जस्ट मूव क्वार्टर ओवर क्वार्टर. लेट्स से आई जस्ट डू दिस ईयर फॉर नाउ. ओके, नाउ अगर मुझे अपने सेल्स की डिटेल्स जाननी है, तो मैं जस्ट सेल्स पे क्लिक करूंगा. तो एट अ वेरी हाई लेवल मुझे अपना टोटल सेल्स दिख गया, जो है 21,86,060 रुपीज़. मेरा टोटल क्रेडिट नोड है 5,129 रुपीज़ का, और जो डिफरेंस बनता है वो है 21,80,931. मेरा सेल्स ट्रेंड फॉर द लास्ट 12 मंथ्स ग्राफिकली यहाँ पे मुझे मिल जाता है, एंड बाय कस्टमर मेरा कितना सेल्स हो रहा है. यहाँ पे मैं उसे सॉर्ट भी कर सकता हूँ बाय नेम और अमाउंट. ओके, सो नाउ लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन एयर केमिकल्स, मेरा जो कस्टमर है, मुझे उसके सारे बिल्स जो मैंने बनाए हैं वो सभी मुझे यहीं पर मिल गए. इफ आई क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर बिल, मुझे वो बिल की कंप्लीट डिटेल्स यहीं पे मिल गई. तो अगर मुझे ये शेयर करना है, मैंने यहीं से पीडीएफ बनाया एंड मैं डायरेक्टली इसे शेयर कर सकता हूँ बाय व्हाट्सएप, ईमेल, एक्सेट्रा. अगर आपको एक पीडीएफ प्रीव्यू पहले देखना है भेजने से पहले, तो यहाँ पे आप जाके सेटिंग्स में जाके, शेयर में जाके पीडीएफ प्रीव्यू ऑन कर दीजिए, तो आपको भेजने से पहले आपको प्रीव्यू भी मिल जाएगा. सो लेट मी गो बैक अगेन. मैंने केमिकल्स पे क्लिक किया, इनवॉइस पे क्लिक किया एंड यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया, पीडीएफ बनाया. जैसे कि आप देख रहे हो, दिस कॉपी लुक्स एग्जैक्टली लाइक हाउ यू गेट इट फ्रॉम टैली. टैली के डिफॉल्ट वर्जन में जो भी इनवॉइस की कॉपी बनती है, सेम यहीं पे बन जाएगी और आप इजीली अपने कस्टमर को भेज पाओगे. सो अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मुझे इनवॉइस नहीं मिला, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट सेंड इट टू द कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम हियर. और यहाँ पे इनवॉइस में आपके सभी डिटेल्स, आपकी आइटम क्वांटिटी, रेट, एचएसएन, आपका टोटल टैक्स कितना हुआ, नरेशन, शिपिंग डिटेल्स, टर्म्स, सभी चीज़ें यहीं पे आपको मिल जाएगी. इफ आई गो बैक, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आई बटन है. सो इफ आई क्लिक ऑन इट, आपने टैली में जो भी मास्टर में इंफॉर्मेशन सेव की होगी, वो सभी मुझे यहीं पर मिल जाएगी. अगर मुझे कस्टमर को कॉल भी करना है, मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया एंड आई कैन कॉल द कस्टमर. यहाँ पे मुझे पार्टी की लेजर रिपोर्ट भी मिल जाएगी. सो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था, मेरे सभी ट्रांजैक्शंस क्या है और मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है. सो अगर मुझे कस्टमर को अपना लेजर रिपोर्ट भी भेजना है, तो मैं यहीं से मैंने पीडीएफ बनाया और मैं शेयर कर सकता हूँ वाया व्हाट्सएप, ईमेल, एक्सेट्रा. तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू सेंड लेजर रिपोर्ट टू द कस्टमर एज वेल. एंड one other feature that we have developed, which is very very useful for most of the business owners when it comes to doing sales analysis. ye feature tally mein bhi nahi hai, to specially humne ye banaya tha for all the customers where you can analyze sales in multi dimensions. so for example, mujhe sales dekhna hai by ledger group, to mere debtors aa gaye. we debtors ke andar maine 3 sales person bana ke rakhe hai, sales person a, b and d. abhi mujhe janna hai ki ye sales person a ne कौन सा स्टॉक ग्रुप सबसे ज़्यादा बेचा है. तो मैंने स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ सॉर्टिंग कर ली
तो मुझे पता चल गया कि सेल्स पर्सन ए ने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक ग्रुप सबसे ज़्यादा बेचा हुआ है। नाउ विद इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे जानना है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक ग्रुप में कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा बेची है। तो मुझे पता चल गया कि उसे पंच कार्ड रीडर सबसे ज़्यादा बेचा हुआ है। नाउ विद इन दिस पंच कार्ड रीडर मुझे जानना है कि उसने मंथ वाइज क्या क्या सेल किया है, तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस मिल गई। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यू कैन डू एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस हियर। मैंने सेल्स लेजर ग्रुप से चालू किया था, आई कैन स्टार्ट विथ स्टॉक आइटम। नाउ विद इन दिस अमेजोन किंडल मैं जान सकता हूँ कि ये आइटम कौन से कस्टमर को दी है या कौन से सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा बेची है, तो वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड डू लेजर ग्रुप यहाँ पे मैं विद टैक्स और विदाउट टैक्स भी देख सकता हूँ। तो अगर मैंने नेट सेलेक्ट किया तो मेरा टोटल सेल्स कितना है विदाउट GST, वो भी मुझे यहीं पे पता चल गया। सो दिस एट अ वेरी हाई लेवल आपको आपका पूरा सेल्स एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप टैली से एक्सपोर्ट करके एक्सेल में एनालिसिस करते हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी एनालिसिस आपकी यहीं पे हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर रिसीट। सो बाय कस्टमर आपको कितने पैसे मिले आपके कस्टमर से, ये कस्टमर पे सिलेक्ट करने के बाद उसके जितने भी हमने वाउचर बना है वो यहीं पे मिल गए। इफ़ आई क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर वाउचर तो कौन से बिल के अगेंस्ट मैंने उससे पैसे कलेक्ट किए, मैंने कहाँ डिपॉजिट किए, वो सभी चीज़ें यहीं पे मुझे मिल गई। अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट की है तो कौन से बैंक पे मैंने की है, इसकी चेक डेट क्या थी, अगर बैंक डेट है तो वो भी यहीं पर सब मुझे डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका है आउटस्टैंडिंग which is very important for all the customers. So if I click on receivable, मेरा outstanding aging wise क्या है, so जो graphically आपको दिख रहा है 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 and so on, आपका outstanding क्या है, by customer कितना outstanding है। So for example, अगर मैं ऑटोजोन की बात करूँ तो मैंने टैली में सेट किया हुआ है कि उनका क्रेडिट 60 है, 3.5 लाख क्रेडिट अमाउंट हमने सेट किया हुआ है, करंट आउटस्टैंडिंग है उनका 2,85,676 एंड वो एवरेज मुझे 378 डेज में पेमेंट करता है। सो वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा कि कस्टमर आपको एवरेज कितने दिन में पैसा भरता है। अगर मुझे कस्टमर का आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है, सो लेट्स से मैंने अमेजोन सेलेक्ट किया, मुझे उसके दो बिल वाइज मिल गए कि बिल वाइज मेरा आउटस्टैंडिंग क्या है, तो ये दो बिल के पैसे बाकी है, मुझे उनको रिमाइंडर भेजना है। मैंने समझो उसको मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजना है, मैंने टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट किया, मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया और अच्छे मुझे इनको भेजना है, तो मैंने उनको भेज दिया। एंड दिस इज दैट इजी फॉर यू टू सेंड एन आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर टू द कस्टमर एंड ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स फिलअप हो जाती है, तो आपको कुछ टाइप भी करने की जरूरत नहीं है। आप दिस इज अ रिमाइंडर योर अकाउंट बैलेंस इज सो एंड सो एज ऑफ दिस डेट, आपकी दो जो बिल है उसकी डिटेल्स आ गई, रिगार्ड्स आपकी कंपनी के डिटेल्स आ गई। So it's that easy to send outstanding reminder on the go. Next is, अगर मुझे देखना है कि मेरे 180 डेज के ऊपर किसका पेमेंट बाकी है, तो वो भी चीज़ें मुझे यहीं पे मिल गई, या 120 डेज के ऊपर किसके किसका पेमेंट बाकी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई। विद इन दैट मुझे जानना है कि लेजर ग्रुप वाइज फिल्टर करना है कि मुझे सेल्स पर्सन ए का कितना आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी मुझे यहीं पे मिल गया, या बी का कितना है वो यहाँ पे मिल गया। तो वेरी इजी टू फाइंड आउट अगेन इन मल्टीपल वेज, एजिंग वाइज आपका आउटस्टैंडिंग क्या है, सेल्स पर्सन वाइज आपका आउटस्टैंडिंग क्या है। अगर आपको सेल्स पर्सन को रिपोर्ट सेंड करना है कि आपका ये कस्टमर्स का 120 डेज से आउटस्टैंडिंग बाकी है, आप डायरेक्टली PDF बनाइए अपने सेल्स पर्सन को भेज दीजिए। सो दैट इजी। नेक्स्ट फॉर योर कैश फ्लो मैनेजमेंट, आपको जानना है कि आपका कैश बैंक बैलेंस कितना है। नाउ टोटल कैश कितना है, टोटल बैंक बैलेंस कितना है। नाउ विद इन दिस बैंक बैलेंस हर एक बैंक का ब्रेकअप आ गया। विद इन दिस बैंक आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, एक्सक्यूज मी, आपका ट्रांजेक्शन्स क्या थे और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरे ऐप में हमने कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं किया हुआ है, एवरीथिंग इज प्लस माइनस रेड या ग्रीन कलर फॉर्मेट में। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपने पेमेंट किया तो माइनस 10,000 हुआ जो रेड कलर में है, मैंने रिसीट की एंट्री डाली है तो वो
ग्रीन में है, प्लस में है, तो इट्स दैट ईजी फॉर एनी वन। अगर आपको टैली नहीं भी आता है, अकाउंटिंग नॉलेज नहीं भी है, फिर भी आपको ये एप्लीकेशन एकदम आसानी से समझ जाएगा। एंड वन थिंग दैट वी हैव डन इन प्रिटी मच ऑल द स्क्रीन्स, अगर आपको फ्यूचर में भी कभी भी कोई भी फीचर के बारे में जानना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक ट्यूटोरियल वीडियो है, तो हर एक स्क्रीन के अंदर अपना एक ट्यूटोरियल वीडियो है जो आपको पूरे फीचर समझा देगा। सो सेल्स के अंदर सेल्स का ट्यूटोरियल वीडियो है, आउटस्टैंडिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग का ट्यूटोरियल वीडियो है, एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे आप हेल्प या सर्च में भी जाके यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग, फॉर एवरीथिंग, एवरी स्क्रीन इज डॉक्यूमेंटेड विद स्क्रीनशॉट, तो आपको कभी भी फ्यूचर में कुछ भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज गो देयर। ओके, नेक्स्ट। सो ये जैसे था, ये आपका डैशबोर्ड था। नेक्स्ट इज योर पार्टी। सो इफ आई क्लिक हियर, मुझे मेरे सभी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मिल जाएंगे, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन एयर केमिकल, जो मेरा कस्टमर है, एंड मैं आई एम प्लानिंग टू विजिट दैट कस्टमर, तो मुझे वो कस्टमर की सभी हाई लेवल डिटेल्स मिल जाएगी, कि मेरा लास्ट सेल कब था, लास्ट रिसीट कब हुआ था, कितने बिल बने, एवरेज बिल अमाउंट क्या है, कितने दिन में पैसा भरता है वो मुझे, मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है मेरा, मंथ वाइज रिसीट क्या है, उसका करंट आउटस्टैंडिंग क्या है, एंड पेंडिंग ऑर्डर्स क्या है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you enjoyed this video. If you have any comment, you can type it on comment box. If you have not yet subscribed to my YouTube channel, you can subscribe and you can learn more about Tally and Excel. And once again, thanks for watching. Till the next time, bye bye. Yes guys, one more thing, if you are looking for this solution, you can contact me through the below contact details. I have given my contact details and description. You can kindly go to the description and take my contact number and email ID. You can send the email or you can call me for the solution. Thank you.